हिमाचल प्रदेश में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल की नदियां नाले उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश के चलते श्रीखंड यात्रा भी रद्द करनी पड़ी है, जहां यात्रा में गए दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं किन्नर कैलाश यात्रा से एक यात्री के मरने की सूचना है, जबकि दो लापता हैं और 60 यात्री फंसे हुए हैं। शिमला में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन एवं पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है। प्रदेश की लगभग 200 से अधिक सड़कें बंद हैं। शिमला में भी बारिश का कहर जारी है। शिमला के माल रोड में दो पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से सड़क बंद है। वहीं जाखू में भी पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई है और साथ ही दो गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। डीसी शिमला अमित कश्यप का कहना है कि शिमला में हो रही बरसात से सड़कों का बंद होना, पेड़ों के गिरने और भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और सड़कों को खोलने का काम जारी है। इसमें कल जो लगातार तीन दिन से जो बारिश हो रही है, कल भी हमें इन्फॉर्मेशन आई है कि स्नो व्यू जो होटल है उसके पास पेड़ गिरा था, जिसकी वजह से बिजली की तारें भी कुछ टूटी हुई हैं और से इलेक्ट्रिसिटी भी दो तीन घंटे बाधित रही है उस वजह से। एक अभी शाम को मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि विकास नगर के पास भी एक पेड़ थोड़ा टेढ़ा जैसा हो गया है और उससे भी खतरा था, तो उसको भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कल ही शाम को दे दी थी कि उसको भी हटाया जाए वहाँ से। और अभी रिसेंटली तो यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर जो ये टॉयलेट्स हैं वहाँ पे पेड़ गिरा है, तो यहाँ पे फायर के लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं और होपफुली आधे घंटे में सुचारू हो जाएगी यातायात व्यवस्था। और दूसरा, बिजली विभाग को भी इसके लिए टेलीफोनिकली मैसेज कन्वे कर दिया कि अपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर किया जाए जितना जल्दी हो सके। देखिए, जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसके दोनों ही एस्पेक्ट हैं। एक तो वर्षा जो है वो हो, और इस बार जो है वो अच्छी मानसून होने की प्रिडिक्शन शुरू से थी, इसलिए प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी सबको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि वो जो भी नेचुरल जो है वो क्लेमिटी आती है, किसी प्रकार की जो है वो सड़कें बंद होती हैं या कहीं पर जो है वो डंगे गिर जाते हैं, कोई नदियों में बहुत ज़्यादा उफान हो जाता है, तो उसके लिए जो है वो तुरंत कार्रवाई करें। उसके लिए हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको जो है वो एकदम से जो है चाक चौबंद किया गया है। कल आपने देखा होगा शिमला के ढली में जो है वो एकदम दीवार गिर गई थी, जिसके कारण बंद रही सड़क, वो अचानक हुआ था, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने जो है उसको खुलवाया भी है। तो लेकिन बरसात हो रही है, बरसात को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो है इससे कोई नुकसान होगा वो कम से कम हो और नुकसान की जो है भरपाई जो है वो कर पाएं, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।